नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम झारखंड राज्य के यानी कि गढ़वा जिला मुख्यालय मौजूद हैं। अगर वही बात करें तो फार्मासी संगठन के लोगों का आज गढ़वा में उग्र आंदोलन देखने को मिला, यानी कि गढ़वा सदर अस्पताल से लेकर रंका मोड़ तक विरोध मार्च, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध मार्च निकाला गया। अगर हम विरोध मार्च की मुख्य वजह की बात कर लें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिए गए बयान की बिना फार्मासिस्ट के भी अब पंचायतों में दवा दुकान लोग खोल सकेंगे, उसको लेकर यानी कि संगठन के लोग यानी फार्मासी संगठन जो है उन लोगों के द्वारा विरोध मार्च होना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत गढ़वा में आज देखने को मिली है। हर पीएचसी सेंटर में जो पंचायत स्तर पे मेडिकल खोलना के लिए वो बोल रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, बट वहाँ पे वो फार्मासिस्ट की नियुक्ति करे जो भी मेडिकल खोलने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तीसरा चीज, पीपीआर 2015 एक एक्ट लागू हुआ था, नियम बना था, उसके हर स्टेट में लागू हो चुका है लगभग। तो हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि पीपीआर एक्ट झारखंड में भी लागू करें। चार प्रमंडल में गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज खुला हुआ है, बिल्डिंग बन करके तैयार हो चुका है, उसमें फार्मेसी टीचर जो भी शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति करें ताकि उनको रोजगार मिल सके। दूसरी चीज, जो भी अवैध तरीके से फार्मेसी दुकान चलाए जा रहे हैं उसको बंद करें और बिना फार्मासिस्ट के लाइसेंस इशू न करें। जो फार्मासिस्ट डिग्री लेकर के जा रहा है उसी को लाइसेंस इशू करें। चौथा चीज कि जो फार्मेसी स्टूडेंट से जो फार्मेसी की डिग्री लेके जा रहा है उससे जो अवैध तरीके से पैसे वसूली की जा रही है उसको न लेकर के जो अवैध तरीके से जो पैसा लेना है 3,000 का जो गवर्नमेंट का चालान करता है वो चालान ले सिर्फ अवैध पैसा वसूली ना करें, उनको परेशान न किया जाए। और मुख्यमंत्री जी से खास करके हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो अनुबंध पे नौकरी निकाल रहे हैं 5 महीने साल भर के लिए उसको न निकाल करके परमानेंट नियुक्ति करें। हर सरकारी अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का ओपन करें और वहाँ पर फार्मासिस्ट का नियुक्ति करें। और अगर मुख्यमंत्री अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो इसी तरह से जिस तरह से गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में विरोध प्रदर्शन किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट से ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और अगर फिर भी वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग विधानसभा में जाकर के सारा फार्मासिस्ट घेराव करेंगे, वहाँ पर अपना प्रदर्शन को चालू रखेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग आगे कोर्ट में भी इसका FIR करने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, और भी फार्मासिस्ट के मतलब संगठन के लोग मौजूद हैं जिसे जुड़ते हैं और बात करते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या नाम आपका? मैं शशि यादव, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट जिला कोषाध्यक्ष गढ़वा। जैसा कि सर ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के असंवैधानिक बयान उन्होंने एक भाषण में एक सभा में संबोधित किया था कि झारखंड के हर एक जिले में हर एक पंचायत में एक औषधि केंद्र खुलेगा। औषधि केंद्र जो खोलेगा कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, जनरल जो कि 10th 12th पास किया हो, जो कि कोई भी खोल सकता है, ये असंवैधानिक है। खोलने के लिए उनका हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें क्वालिफाइड फार्मासिस्ट भी जरूरी है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट को पढ़ाई करने में वो जो डी फार्म करते हैं 2 साल लगता है, जो बी फार्म करते हैं 4 साल लगता है, और जो एम फॉर्म करते हैं टोटल 6 साल लग जाता है। तो जिसमें दवा के बारे में, औषधि के बारे में जो फार्मासिस्ट बना रहा है उसको विशेष जानकारी है, दवा उसके बारे में, दवा बेचने के बारे में, डोज फॉर्म, हर एक चीज़ फार्मासिस्ट को ही जानकारी है। अगर किसी प्रकार के कोई भी व्यक्ति, जनरल व्यक्ति अगर दवा बेचता है, किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे जिसका जिम्मेदार। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो बयान अपना जल्द से जल्द वापस ले। अगर वो बयान अपना जल्द से जल्द वापस नहीं लेंगे तो जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी रहे। आज गढ़वा जिला की शुरुआत हुई, क्या झारखंड के और भी जिले में लोग एकत्रित हो रहे हैं या फिर गढ़वा से ही शुरुआत है? नहीं, झारखंड के हर एक जिले से लोग अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले हर एक जिले में विरोध प्रदर्शन जारी है और जब तक जारी रहेगा तब तक माननीय मुख्यमंत्री अपना बयान वापस नहीं लेगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, साफ तौर पे कहना है संगठन के लोगों का कि जब तक बयान वापस नहीं होगा तब तक यानी कि लड़ाई जारी रहेगा, ये विरोध मार्च जारी रहेगा। साफ तौर पे देखिए, और भी कुछ लोग हैं सीधे जुड़ते और बात करते हैं, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार कश्यप, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन उपाध्यक्ष। क्या आज था विरोध मार्च आप लोग निकाले हुए थे, लंबी भीड़ थी आप लोग?
हम लोग विरोध मार्च निकाले हुए थे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के असंवैधानिक बयान के विरोध में विरोध मार्च निकाले हुए थे, और जो भी यहाँ चार प्रमंडल में फार्मेसी कॉलेज बनकर तैयार है उसको जल्द से जल्द चालू करने का निकाले हुए थे। वो कौन से बयान थे कि जिस पर आप लोगों का एक तरह से कह सकते हैं कि विरोध मार्च निकालने की जरूरत पड़ गई? वो बयान था कि वो बोले कि 10वीं 12वीं कोई भी हर एक पंचायत में फार्मेसी दुकान खोल सकता है। हम फार्मेसी की दुकान खोलने का उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग का कहना यह है कि हर एक पंचायत में फार्मासिस्ट लोग को नियुक्त करके वो फार्मेसी दुकान खोलें, अच्छा। यानी कि किसी और को लाइसेंस देकर नहीं खोलें, क्योंकि जो भी फार्मासिस्ट कर रहा है सरकार तो उनको रोजगार देने से नहीं इतने सारे लोगों को, और जो अपना रोजगार करना चाहते हैं उसके साथ भी सरकार उनको रोजगार नहीं करने दे रही है। तो कम से कम जो फार्मेसी कर ले रहे हैं वो अपना रोजगार तो गाँव में एक फार्मेसी दुकान खोल के अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, लेकिन सरकार वो भी नहीं करने दे रही है। उसमें भी 10वीं और 12वीं का बंधन लगा दिया कि वो भी कर सकते हैं, तब तो ऐसे कोई भी कुछ भी कर सकता है। सरकार जब एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग नहीं करने देगा, डॉक्टर को डॉक्टरी नहीं करने देगा, फार्मासिस्ट को अपना फार्मासिस्ट का काम नहीं करने देगा, तो ये मुख्यमंत्री जी बिना जीते हुए MLA ये मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? ये MLA जीत के आए हैं तब तो मुख्यमंत्री बने हैं। उसी तरह हम लोग फार्मेसी का पढ़ाई करके आए हैं, तुम लोग को फार्मेसी का काम करने दें, वो इस बात को समझें। इसी चलते हम लोग अभी उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना बयान वापस लीजिए, और जो ये लाइसेंस देने का काम कर रहे हैं उसको बंद कीजिए, और जो दे चुके हैं उसको ही बंद कीजिए, और वहाँ पर फार्मासिस्ट को नियुक्त कर फार्मेसी का संचालन कराइए। ठीक है, थैंक यू। देखिए, और भी फार्मासिस्ट के लोग हैं, यानी संगठन के क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? हमारा नाम पीयूष राजवा। जैसा कि विरोध प्रदर्शन आज हम लोग निकाले हुए थे, हमारा विरोध प्रदर्शन करने का मेन मुद्दा यही था कि जो हेमंत सोरेन के असंवैधानिक बयान, जैसा कि नियम के तहत कहता है कि हमारा फार्मेसी एक्ट गजट 1948 जो फार्मेसी एक्ट 1948 में लागू हो गया था, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में स्टार्ट हो गया था, और रूल उसका 1945 में है, इतने सारे नियम जो कि नियम कानून बने हैं, एक्ट बना है, रूल बना है, रेगुलेशन बना है, तो कहीं ना कहीं कुछ हमें ये देख के बना मजदूर हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इसको खा के ना उनको डेथ ना हो जाए या फिर किसी तरह का इफेक्ट ना हो जाए, इसको उन्होंने बोला अपने बयान में बोला कि बिना हम हर एक पंचायत में हर एक राज्य में हर एक पंचायत स्तर पर हम दुकान खोलना चाह रहे हैं। हम उनके इसका बयान का समर्थन करते हैं, हम सभी फार्मासिस्ट उनके समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें फार्मासिस्ट की अनिवार्यता होनी चाहिए, न कि ऐसे लोगों की जो 10th है 12th है ग्रेजुएट है, क्योंकि जब फार्मासिस्ट यहाँ बेरोजगार है, अभी 10,000 फार्मासिस्ट अभी हमारा निबंधन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, और फार्मेसी कॉलेज टोटल हमारे यहाँ पे अभी 104 का कंसेंट मिला हुआ, नए खोल रहे हैं, पहले से 50+ कॉलेज हमारे यहाँ पे हैं, तो वो सारे बच्चे पढ़ने के बाद करेंगे क्या, आखिर कहीं ना कहीं वो रोजगार के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा ये मुद्दा है कि जो PCI के गजट 2015 में एक्ट को लागू DPR 2015 को लागू किया गया, गजट लाया गया, वो हर एक राज्य में लागू हो गया लेकिन यहाँ पे नहीं, और जब तक झारखंड बनने के बाद आज तक फार्मासिस्टों की बहाली नहीं हुई है। परमानेंट तौर पर देखा जाए तो आप उठा के देख लीजिए, 20 को एक जेल में फार्मासिस्ट का हुआ था, तो पूरे आज 23 साल के कार्यकाल में हमारा फार्मासिस्ट का कहीं तो कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ फार्मासिस्टों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। साथ ही साथ दो BJP के राज्य में 4 मेडिकल कॉलेज चारों प्रमंडल में और आपका फार्मेसी कॉलेज एक साथ पास हुआ था उसको मिला, अभी बिल्डिंग वगैरह बन के तैयार हो गई है, और वहाँ पे बिहार और झारखंड में एक साथ चालू हुआ था और मिला था अनुमति, बिहार में चालू हो गया, झारखंड में आज तक बस बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग के नाम पे पता नहीं क्या कर रहे हूँ। हम लोग को राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने विरोध के हम अपने मांगों को लेकर खड़े हैं, और जब तक सरकार इसका वापस नहीं लेती है, हमसे माफ़ी नहीं मांगती है, तब तक हर एक राज्य से हर एक देश से उनको नोटिस चला गया है, अगर नहीं लेंगे वापस अपने मांग को और अगर वो हमसे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो तब तक हम विरोध करते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो हम केस में भी जाएंगे और उनका विरोध करेंगे, और जो संवैधानिक तरीके से है क्योंकि हम लोग पढ़े हुए उसको हम लोग कहीं ना कहीं कोर्ट से किसके के जीत के लाएंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, साफ तौर पे कोर्ट से भी जीत कर लाएंगे, साफ तौर पे देखिए लड़ाई का, यानी कि कह सकते हैं कि जो उग्र आंदोलन, यानी कि आज जो यहाँ विरोध मार्च है गढ़वा से शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब गढ़वा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र यानी कि बूढ़ा पहाड़ पे जब आए थे, जब वहाँ पे बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत कर रहे थे, वहाँ भी लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि बिल्कुल फार्मासिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैट्रिक और इंटर के पास लोगों को भी अब दवा दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। देखिए, फिर से एक बार उस बयान को दोहराने के बाद, यानी कि अब फार्मासिस्टों में एक तरह से अलग उबाल हो चुकी है, और उसके देख सकते हैं कि उसका जीता जागता उदाहरण गढ़वा जिले में, यानी कि आज से विरोध मार्च का सिलसिला जारी हो गया है।
तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 10,000 फार्मासिस्ट साफ तौर पर बता रहे थे कि 10,000 फार्मासिस्ट बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं इतनी बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़कर यानी कि डिग्री प्राप्त करते हैं, 2-4 साल जो उसकी कोर्स हो की जो होती है आपका दिन जो बनाया होता है कितना दिन में ही जो डिग्री मिलेगी उसको लेकर, यानी कि लंबे इंतजार के बाद फार्मासिस्ट का अब एक उम्मीद जगती है कि हम लोगों को एक जॉब मिलेगी, लेकिन अब बयान के बाद यानी कि उम्मीद टूटने लगती है, उसके बाद उग्र आंदोलन होना लाजमी भी है। फिर अब देखने वाली बात होगी कि आखिर फार्मासी संगठन के लोगों की ये विरोध मार्च के बाद कितना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर पहल करते हैं और अपनी बयानों को बदलते हुए यानी कि बिना फार्मासिस्ट के खोलने वाली दवा दुकानों के बयान को वापस ले पाते हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार गढ़वा से। मैं अरुण कुमार।